पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में आपका हार्टली वेलकम करता हूं। आज मैं इस वीडियो में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है उसके बारे में बतलाने जा रहा हूं। इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया फेडरल कोर्ट के नाम से कलकत्ता में स्थित होता था। इसकी हिस्ट्री यही है कि वॉरेन हेस्टिंग्स आने के बाद ये एस्टेब्लिश हुआ। इंग्लिश जो सिस्टम में पहले कोर्ट था वो फेडरल कोर्ट के रूप में माना जाता था, बाद में ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट न्यू दिल्ली शिफ्ट हुआ और इसका जो एस्टेब्लिशमेंट है वो 28 जनवरी 1950 को इनॉग्रेशन डे के रूप में भी मनाया जाता है। 26 जनवरी 1950 से भारत का संविधान लागू हुआ। इसमें अब शुरू में 1+7 जजेस होते थे, जो वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के जजेस की संख्या 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड 33 अदर जजेस होते हैं। फंडामेंटल राइट्स कॉन्ट्रेरी उससे कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन का दूसरा कोई भी विधि ना बने इससे ये बचाता है। गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, अनडिजायरेबल चेंज ना हो। दूसरा फंडामेंटल राइट्स के रूप में को गारंटर के रूप में ये काम करता है। आर्टिकल 32 के तहत कोई भी रिट लगाकर किसी व्यक्ति के जब फंडामेंटल राइट्स का इंफ्रिंजमेंट होता है तो वो 5 तरह की रिट्स द्वारा आर्टिकल 32 के तहत माननीय सर्वोच्च न्यायालय तथा आर्टिकल 226 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत किसी भी हाई कोर्ट में अपने फंडामेंटल राइट्स को पाने के लिए रिट फाइल कर सकता है। सिविल क्रिमिनल और कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स में हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है। आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट की प्रोसीजर बताई गई है, जिसमें सबसे पहले वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, 65 वर्ष की आयु तक वो सेवा कर सकते हैं और इसमें 5 ईयर्स कम से कम हाईकोर्ट में जज के रूप में रहा हो, 10 ईयर्स किसी हाईकोर्ट के जज के रूप में रहा हो और 65 साल तक की आयु तक वो मिनिमम एज कहीं भी प्रिस्क्राइब नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का जज व्यक्ति रह सकता है या प्रेसिडेंट की राय में कोई एमिनियंट जूरिस्ट आदि हो तो उसे भी सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जा सकता है। अब वर्तमान में जो संख्या है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष जजेस की, उसमें 1 CJI साहब तथा 33 अदर जजेस हैं। सुप्रीम कोर्ट के CJI को अपॉइंट करते समय प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कुछ चीफ जस्टिसेज आदि से कंसल्ट करेगा, जिसमें 4 अदर जजेस की सीनियरिटी की कमेटी भी रहती है। कंसल्टेशन प्रोसेस पूरा होने पर प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति देते हैं। सीनियरिटी के बेसिस पे अपॉइंटमेंट होता है। इस बारे में 2 बार ये रूल तोड़ा गया था, जिसमें 1973 में A.N. राय साहब को तथा 1977 में M.H. बेग साहब को CJI ऑफ इंडिया बनाया गया था। दूसरा यह है कि जब भी किसी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस के तहत किसी जज को रिमूव किया जाता है तो वो आर्टिकल 124 क्लॉज 4 के तहत, इसका काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, जज इंक्वायरी एक्ट के तहत यदि किसी भी जज के खिलाफ मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी की कोई शिकायत मिलती है तो दोनों हाउसेस लोकसभा और राज्यसभा में से किसी में भी ये प्रस्ताव लाया जा सकता है। लोकसभा में 100 मेंबर्स होंगे जिनके जिनको साइन नोटिस देना आवश्यक है, जबकि राज्यसभा में 50 मेंबर्स को साइन ऑफ नोटिस देना आवश्यक होता है। 2/3 टोटल मेंबर्स यदि इस पर सहमत हो जाते हैं तो जजेज इंक्वायरी एक्ट के तहत कार्यवाही करने के बाद उसमें 3 लोग अलग कमेटी अपॉइंट होगी। अगर वो उनकी रिपोर्ट में ऐसा आ जाता है तो वो रिमूवल का फैसला अगर प्रपोज करते हैं तो माननीय प्रेसिडेंट द्वारा संतुष्ट होने पर किसी भी जज का रिमूवल ऑर्डर निकाला जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में एक अलग से लेटेस्ट जजमेंट हुआ था, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1993 का ये जजमेंट है, जिसमें ये कहा गया कि जब भी CJI की नियुक्ति होगी वो सीनियरिटी बेसिस पर ही की जाएगी, क्योंकि 2 बार M.H. बेग एवं A.N. रॉय साहब को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीनियरिटी को सुपरसीड करते हुए अन्य जजेस की उन्हें बना दिया गया था। अब प्रश्न उठता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का या सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन कहाँ कहाँ है, किस तरह का क्षेत्राधिकार इनको प्राप्त है। आर्टिकल 131 के तहत सारे डिस्प्यूट्स जो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच होते हैं या स्टेट से स्टेट गवर्नमेंट के बीच होते हैं उसे सुनवाई का क्षेत्राधिकार 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट के बीच माननीय सर्वोच्च न्यायालय को आर्टिकल 131 के तहत है। रिट जुरिस्डिक्शन आर्टिकल 32 के तहत है, जिसमें 5 तरह की रिट्स माननीय सर्वोच्च न्यायालय
जारी कर सकते हैं, जो किसी भी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स का यदि इंफ्रिंजमेंट होता है तो वो रिट ज्यूरिसडिक्शन अवेल कर सकता है। मैंने इस संबंध में इस चैनल पर एक अलग से भी वीडियो बनाया हुआ है जिसे आप देख सकते हैं। अब अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन जो है, जहां प्रश्न उठता है कि इंटरप्रिटेशन क्या किया जाए, तो ये हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है किसी भी मैटर में आगे आने वाले केस के लिए। हाई कोर्ट यदि सर्टिफाई कर देता है तो सुप्रीम कोर्ट में अपील की जाती है, और जो भी इंटरप्रिटेशन आता है जो आर्टिकल 141 में दिया गया है, द डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शैल बी बाइंडिंग ऑन ऑल द कोर्ट्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। एक बार जो भी किसी विषय वस्तु पर लॉ पॉइंट इनके द्वारा इंटरप्रेट कर दिया जाता है तो वो नीचे के सारे सबॉर्डिनेट कोर्ट्स तथा देश के सभी न्यायालयों एवं शासन पर वो बाध्यकारी प्रभाव रखता है। आर्टिकल 132, 133 और 134 सिविल क्रिमिनल आदि केसेस के संबंध में सुनवाई का ज्यूरिसडिक्शन माननीय सर्वोच्च न्यायालय को है। आर्टिकल 136 में देश भर की जो भी कोर्ट और ट्रिब्यूनल हैं वो स्पेशल लीव के तहत एप्लीकेशन पर सुनवाई कर सकते हैं मिलिट्री कोर्ट को छोड़कर। इसके अलावा आर्टिकल 142 में पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बताया गया है, ज्यूरिसडिक्शन का यूज आर्टिकल 142 में अयोध्या के केस में हाल ही में किया गया था, जिसमें कोई भी एग्जीक्यूशन और ऑर्डर माननीय सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल 142 के तहत दे सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के तहत। 143 में एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन है, यदि माननीय प्रेसिडेंट महोदय किसी सब्जेक्ट मैटर पर जो पब्लिक मैटर से रिलेटेड है कोई ओपिनियन मांगते हैं तो सुप्रीम कोर्ट चाहे तो ओपिनियन दे सकता है। इंटरनेशनल ट्रीटी के लिए ये ओपिनियन देना माननीय सर्वोच्च न्यायालय के लिए जरूरी होता है। तो इस प्रकार प्रेसिडेंट के कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस तथा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है, चैप्टर 4 और पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में इसका डिस्क्रिप्शन है, जो आर्टिकल 124 से 147 तक के प्रोविजंस काफी इंपॉर्टेंट हैं। हिस्ट्री यही थी कि बैटल ऑफ प्लासी का युद्ध जीतने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी और उनके बीच हुआ था बैटल ऑफ प्लासी के मध्य, उसके बाद वारेन हेस्टिंग्स ने फर्स्ट लीगल रिफॉर्म प्लान लाया था, उसके बाद इसकी स्थापना हुई थी। तो इस प्रकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय का कॉन्स्टिट्यूशन है, और उसमें मैंने आपको सरल भाषा में कहाँ ये स्थित है, इसके पहले क्या था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ये गवर्न होता था, बाद में ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के प्रोविजंस के तहत इसको जो जो पावर्स थी वो मैंने आपको बताया आर्टिकल 124 से 147 तक सारे इसके ज्यूरिसडिक्शन मैंने आपको बताए। मैं आशा करता हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो में बताई गई बातें अच्छी लगी और वीडियो ठीक लगा हो तो आप इसे कृपया लाइक शेयर अवश्य करें, और यदि चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, आज इतना ही, कल फिर नए वीडियो के साथ मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।